मैं शेफ समिया जमील सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर इन सेलिब्रिटी शेफ और आप लोग देख रहे हैं सुपर वॉरियर्स 2021 प्रेजेंटेड बाय सीबो लाउंज। हम बहुत सारी स्टोरीज को डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इनको लाइक कर रहे हैं और उन सारे मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया। ये सारी चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकती हैं जिसका नाम है शेफ समिया जमील और आप उसके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन वक्त बा वक्त पहुँचती रहे। ये इंटरव्यूज़ देने का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम उन सारी ख़वातीन को आगे बढ़ाएं और हम आगे बढ़ें और बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जो हिम्मत नहीं कर पा रही अपने काम को आगे लाने के लिए। टैलेंट तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बे इंतहा है लेकिन आगे बढ़ना ये एक मायने रखता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि कभी भी बिलीव ही नहीं करती थी कि हम लोग भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन इस पैंडमिक में उन्होंने इस बात को प्रूव किया घर चला के। तो हमारे साथ एक बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके ब्रांड का नाम है स्वीट टेल्स और बे इंतहा मज़े के मीठे और बे इंतहा क्रिएटिविटी के साथ बनाती हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को फ्यूजन स्टाइल में प्रजेंट करके अपने आप को सबसे ज़्यादा अलग तरीके से हाईलाइट किया और इस वक्त हर कोई इनको जानता है। तो हम वेलकम करते हैं समीना सईद को। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप तो वाकई में मिठाइयों का एक जो कहते हैं ना भंडार है, मीठे हो, पाकिस्तानी हो, ट्रेडिशनल कोई भी हो, भाई आप जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे रिप्रेजेंट करवा दिया अपने यहाँ, और यह है कि बहुत बहुत शुक्रिया। बस पहुँच गया। आज क्या लाई है, क्या ये क्या है ये बताएं? पान का पत्ता रखा हुआ है। आज ये मैंने फ्यूजन किया है अगेन, पान की खीर बनाई है। पान की खीर? ये पान की खीर। वाओ, और इसको आप खाएंगे तो आप तो और भी फ्यूजन के साथ बनाया है तो काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर है इसके अंदर। सही सही। और ये क्या है? ये मैंने गजरेला बनाया मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से गाजरे आ गई हैं तो गाजर का तो आपको पता है ना डिफरेंट हमारा ट्रेडिशनल मीठा है। हाँ, ये तो ट्रेडिशनल मीठा है हमारा। तो क्या सीखा था या खुद से शौक था बचपन से अपनी अम्मी को देख कर, सबको देख कर क्या था? एक्चुअली मेरा फॉर्चुनेटली मेरा जो हस्बैंड है वो उनको बहुत शौक था मीठे का, तो थ्रू आउट द टाइम वो कहीं होता था कि कुछ मीठा बनाया था। तो उनको खुश करने के लिए मैंने मीठे पर बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। उनको खुश करने के लिए? खुश करने के लिए। तो इस तरह से मेरा माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छा बनता गया, क्योंकि मेरी बिलोंगिंग जो थी वो दिल्ली वालों की। अरे वाह, आपको पता है डेली वालों के खाने तो क्या होते, उनकी तो शायद फिंगर्स में ही जायका होता है ना। उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं। और ये कैसे आइडिया आया कि आपने इसको एज अ बिजनेस लेना है? ये ऐसे बस लास्ट जो पैंडमिक में हम लोग बैठे बैठे घर में, क्योंकि अब मेरा थोड़ा ये था कि बच्चे ग्रोअप हो चुके हैं, अपने एजुकेशन से भी फ्री हो गए, तो मेरे पास टाइम ज़रा ज़्यादा था, तो मैंने अपने उस टाइम को थोड़ा अवेल करना चाहा और फॉर्चुनेटली मुझे सीबो में एक रिकग्निशन मिल गई माशाल्लाह। जबरदस्त, बस मेरा काम चल पड़ा। क्या बिकॉज ऑफ यू क्या आपने उसको जजाक अल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी एज ग्रुप की ख़वातीन हैं? वो यूजुअली ये समझती हैं या तो बहुत आपकी तरह एक्टिव होती हैं, और लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो कहती हैं नहीं यार बस अब हमें अल्लाह अल्लाह करना है, हमें कोई काम नहीं करना। तो आप क्या उनको कहेंगी कि बैठ के बीमार होने से बेहतर है कि एक्टिव रहो? बिल्कुल, यहाँ पर मैं अपने बच्चों का जिक्र करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे जो हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ जाऊँ और ये सब इस एक्टिविटी को करूँ ना। तो बहरहाल ये कि माशाल्लाह जिन भी ख़वातीन के अंदर टैलेंट है और चाहती हैं कुछ करना तो घर से ही शुरू करें। बिल्कुल, और इतना अच्छा रहता है क्योंकि आप होम शेफ होते हैं, एक तो ये बड़ा मज़ेदार सी हुआ है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ना, सुबह उठ के कहीं नौकरी पर नहीं जाना, किसी के आप मोहताज नहीं है, अंडर भी नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से उठे बना लिया रख दिया, फिर उसको वो कर दिया। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ख़वातीन को आना चाहिए, आना बजाय कि गॉसिपिंग करें और थोड़ी फजूलियात में जाएं, थोड़ा क्रिएटिव हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत टैलेंटेड बनाया है, तो उसको निकालें बाहर और शो करें। बहुत शुक्रिया। और बताएं पैकेजिंग को कितना फोकस रखती हैं कि पैकेजिंग कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि मैं चाहती हूँ कि एक तो हाइजीन हो और फिर ईजी टू रीच हो,
और जो खाए वो ये ना कहे कि ये क्या है, उसको मजा आए, मजे, क्योंकि आपकी पैकेज हमें जो आप जिस तरह भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पैकेजिंग, वो बड़ी मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट होती है हमेशा से। तो ये उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैंने एज अ मॉन्टेसरी काम किया है। हाँ, तो ट्रेनर जी, हाँ, तो वो जो ट्रेनिंग है ना बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और वो चीज़ों की जो हैंडलिंग है, तो मैं अपने तो हैप्पी पैलेस में मैंने काम किया, तो मैं अपने सर आसिफ को जरूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया, ट्रेन कर दिया कि अब माशाल्लाह ये काम इस तरह नजर आ। थैंक यू समीना फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सुपर वॉरियर्स, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे, और आप ऐसे ही मज़े मज़े के मीठे मीठे जो है वो खाने बनाते रहें, और हमें हम सबको जो है वो आप बहुत अच्छे से डील करें, और आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। आप इनके पेज पे विजिट कर सकते हैं, नो डाउट, हाईली रिकमेंडेड, कि इतना ज़बरदस्त इनका खाना होता है कि, और इनके मीठे तो लाजवाब मीठे होते हैं कि अगर आप एक दफ़ा इनका ज़रदा खा लें तो आप यकीन करें आप पकवान का ज़रदा भूल जाएंगे जो ये ज़रदा बनाती हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली आमना का, कि जो हमेशा मेरे बैक पे खड़ी होती हैं और वो हमेशा सपोर्ट करती हैं, बाकी सारे मॉडरेटर्स का जो कि हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, और हमारे वीडियोग्राफर राना का, और इकबाल भाई जो कि हमारे सीबो का पार्ट बन चुके हैं, राना भी, इकबाल भाई भी, और गिफ्ट कटोरे जिनका बिल्कुल नया काम है और उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग काम है। तो आप इनके भी पेज पर जाके इनको भी देखिए उनका काम कैसा है, जो भी आपको समझ आए कि सीबो ग्रुप सब जितना ज़्यादा अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स को, आप उसको अवेल कीजिए जो कि आसानियाँ पैदा करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।